स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल TDC यानी टारगेट डिफेंस क्लासेस में। तो मैं आज को फिर से आपके जीके के कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, जीके का बूस्टर करने वाला हूँ, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपके जीके के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो जो हमारे पिछले वीडियो का जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपको आंसर बताना है, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन ये था आपका, वो वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसका आंसर था अशोका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु आर द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट ग्रेट यूनाइटेड एम्पायर इन इंडिया, किसने यूनाइटेड एम्पायर, किसने मतलब यूनाइटेड का शासक भारत में इस्टेब्लिश किया था, कौन थे वो जो मतलब यूनाइटेड का राजा था, उसने किसको फाउंड किया था, ठीक है। यहाँ पे तो पहला आपका ऑप्शन है मौर्यांस, नंदास, कुशांस या फिर शाकास। इसका जो सही आंसर है वो है द मौर्यांस, मौर्यांस ने किया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रेन ऑफ एम्पायर एम्परर अशोका, अशोका का मतलब राज था वो कौन से सन में चला था, मतलब कौन से सन से कौन कहाँ तक चला था, ठीक है। तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए और मैं उसका आपको सही आंसर बता देता हूँ। वो हुआ था BC में, मतलब कि बिफोर क्रिस्ट। तो एक ही ऑप्शन है इसमें ऐसा जिसमें मतलब BC में बोला गया है, बिफोर क्रिस्ट बोला गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, द कैपिटल ऑफ सत्यवान डायनेस्टी वाज, सत्यवान की जो डायनेस्टी थी उसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, हैदराबाद, श्री काकुलम, राजमुंद्री विजयनगर में या फिर सिकंदराबाद, ठीक है। तो आपके चार ऑप्शन है और उसका सही आंसर है वो है श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम उसकी कैपिटल थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंड द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर किसने फाउंड किया था, समुद्र गुप्ता ने, श्री गुप्ता, विक्रमादित्य गुप्ता या फिर चंद्रगुप्ता, ठीक है। तो इसके जो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है वो है श्रीगुप्ता, श्रीगुप्ता ने आपका गुप्ता एम्पायर फाउंड किया था, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज रॉन्ग, इन चारों में से कौन सा फैक्ट रॉन्ग है, ठीक है। पहला है आपका, समुद्र गुप्ता परफॉर्म्ड एंड अश्वमेध यजना एंड बिकम महाराज इधराज, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका, चंद्रगुप्त सेकंड मतलब जो विक्रमादित्य था असेंड द थ्रोन इन 380 AD। थर्ड ऑप्शन आपका, गुप्ता पीरियड इज रिकॉर्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और आपका अगला क्वेश्चन है, कालिदास वाज द कॉन्ट्रेरी ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। उसका सही आंसर है वो है ये, क्योंकि ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। कालिदास कॉन्ट्रेरी था समुद्रगुप्ता का, ठीक है, नहीं था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप अपना, द विक्रम संवत इज काउंटेड फ्रॉम, जो मतलब विक्रम का विक्रमादित्य था उसकी जो संवत थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 58 BC से, 78 BC से, 319 BC से, फिर 712 AD से, ठीक है। उसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, 58 BC से हुई थी वो। तो इसमें आगे भी चार क्वेश्चन दिए, मतलब चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका एक ऑप्शन गलत है, वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, कालिदास वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, सही है ये भी। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, रिनाउंड पर्सनैलिटीज लाइक वीराम मीरा, आर्यभट्ट, धनवंतरी, चरक एंड ब्रह्मगुप्त वर इन द गुप्ता पीरियड, हाँ ये गुप्ता पीरियड के ही थे, ये भी सही है। अ कॉइन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड इज आल्सो फाउंड इन जावा, ये भी सही है। हाई ऑफिशियल वर अपॉइंटेड हिंदूज ओनली, ये थोड़ी ना वो तो किसी भी कम्युनिटी को मतलब कोई भी कम्युनिटी हो तो उसको भी अपॉइंट कर लेते थे, जरूरी थोड़ी ना कि वो हिंदू को ही अपॉइंट करते थे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर ये सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका, द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन आवाज, हर्षवर्धन की कैपिटल क्या थी, पथलीपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, अजमेर, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन है, इसमें सबको बताना है। तो वो थी कन्नौज, कन्नौज हर्षवर्धन की कैपिटल थी। तो अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्सन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से मतलब कौन सा शासक मैच नहीं कर रहा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे था, कहाँ से था, मेगास्थीन से, मतलब मेगास्थीन से रिलेट करता है वो, हर्षवर्धन, ह्यूंग सेंग से, कृष्णदेवराय सेकंड, निकोलो कोंटी से, अशोका, मार्कोपोलो से। तो इसमें से बताना है कि कौन सा मैच नहीं करता है, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो अशोका है वो जो कि मैच नहीं करता, अशोका का मार्कोपोलो के टाइम पे नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका,
नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं, जैसे मतलब कौन से धर्म से रिलेट करते हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म या फिर नन ऑफ दिस। तो बुद्धिज्म से करती है नालंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्ट इज रॉन्ग। आपके इसमें चार ऑप्शन हैं, तीन यहाँ पे, एक अगला ऑप्शन आपका अगले पार्ट में। ठीक है, तो इसमें सबको बताना है। तो मैं आपको ऑप्शन बोल देता हूँ एक बार। हिनसेंग चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया फ्रॉम 630 AD टू 645 AD। जो हिनसेंग चाइनीज पिलग्रिम थे वो भारत में कब से कब तक आए थे, 630 AD से 645 AD तक। अगला क्वेश्चन आपका, हिनसेंग मतलब अगला ऑप्शन, हिनसेंग विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के राज में ये हिनसेंग आए थे। हाँ ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं आपका। अगला ऑप्शन आपका, फाइन विजिटेड इंडिया इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य सेकेंड। हाँ ये भी ठीक है। तो अगला ऑप्शन है आपका, नालंदा द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वाज सिचुएटेड इन मॉडर्न पाकिस्तान। जो नालंदा है बुद्धिज्म की, बुद्ध धर्म की जो फेमस यूनिवर्सिटी है वो मॉडर्न पाकिस्तान में है। नहीं भाई, वो तो बिहार में है, मॉडर्न पाकिस्तान में कहाँ चली जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, डी पार्ट आपका, मतलब कि ये पार्ट नहीं है वो, क्योंकि बिहार में है तो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका, द संस्कृत पोइट राजशेखर लायोडिन, द संस्कृत पोइट ऑफ राजशेखर लायोडिन द कोर्ट ऑफ, जो राजशेखर था वो किसकी कोर्ट में रहता था, महिपाल की कोर्ट में, धर्मपाल की कोर्ट में, बोझ की कोर्ट में, फिर महिपाल सेकंड की कोर्ट में। तो उसका सही आंसर हुआ है धर्मपाल, धर्मपाल की कोर्ट में वो रहता था। फिर अगला क्वेश्चन आपका, वतापी वाज द कैपिटल ऑफ, जो वतापी है वो किस कहाँ की कैपिटल है, पल्लव्स की, राष्ट्रकूटास की, सेनाज की, फिर चालुक्यास की। आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है वो है आपका सी पार्ट, चालुक्यास, चालुक्यास की वटापी कैपिटल है। फिर आपका, विच रूलर्स बिल्ट द एलोरा टेम्पल। एलोरा जो मंदिर है आपका वो कौन से रूलर ने बनाया था, चालुक्या, शुंगा, राष्ट्रकूटा या फिर पल्लव। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, वो बनाया था राष्ट्रकूटा ने। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। वेयर वाज द आदि शंकराचार्य बोर्न। आदि शंकराचार्य कहाँ पे बोर्न हुए थे, मतलब कहाँ पे वो पैदा हुए थे, वेस्ट बंगाल में, केरल में, इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, फिर कश्मीर में। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर आपको हमें बताना है। और अगर आप इसका आंसर पता लगा देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।